जीवन का कोई लक्ष्य तय करना जरूरी है, तभी जीवन की नया भव सागर से पार लगेगी। कानड़ सोमवार को भगवान देवनारायण परिसर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के तीसरे दिन पंडित लखन शर्मा ने कहा कि जीवन अनमोल है, इस जीवन का लक्ष्य तो तय करना ही पड़ेगा, नहीं तो मझदार से नया पार नहीं लगेगी। मनुष्य को ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाले का मन प्रसन्न कर दे। शास्त्रों के मार्ग पर चलो, घर में बच्चों को संस्कार शास्त्रों के द्वारा ही आएगा। संसार के अंदर प्राणी मात्र के अंदर ईश्वर परमात्मा विराजमान है। छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़े जीव में परमात्मा विराजमान है। छोटा से छोटा जीव चींटी और बड़ा से बड़ा जीव हाथी, जिसमें परमात्मा विराजमान रहता है। पंडित लखन शर्मा ने एक प्रसंग में कहा कि बाबा भोले भंडारी शांत होकर बैठे बैठे सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ता गया और आग बबूला हो गए। जब किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो जाती है और सामने वाला आपको कुछ नहीं कहता है और मुस्कुराता है, तो सामने वाले को और ज्यादा क्रोध आता है और वह क्रोध ही हो जाता है। बाबा भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और हाथ में जल लिया और श्राप दिया, ये बाबा दिन भर नशे में रहता है और भूत पिशाच इसके आगे पीछे घूमते हैं, इसको मैं शराब देता हूँ कि किसी भी प्रकार के यज्ञ में भाग नहीं लेगा, मैं यज्ञ से इसे वंचित करता हूँ और कठोर श्राप देता हूँ। फिर भी बाबा भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। भागवत कथा में पंडित लखन शर्मा द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति से माता और युवतियां थिरकने लगी। भागवत कथा में आसपास के गांव के लोग भागवत कथा का श्रवण करने देवनारायण मंदिर परिसर में आ रहे हैं। कानड़ से संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट। जैसे ऊपर टंकी बनी हुई है और नीचे से पानी पहुंचाना ऊपर है टंकी में, तो अपन लोग मोटर लगाएंगे है ना, और मोटर के द्वारा जल ऊपर जाएगा टंकी में, और कभी उस जल को मौका मिला तो जल कहां पर आएगा। नहीं बोले भगवान को भोले भंडारी है, शांत होकर बैठे बैठे सुन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले ना, तो दक्ष प्रजापति का क्रोध और भी बढ़ गया। इस बात का आप लोग भी अनुमान लगा सकते हो, किसी से लड़ाई अगर हो जाए, अगर लड़ाई होती है और अपन कुछ बोल रहे हैं या फिर वो अपन को गाली दे रहे हैं और अपन कुछ नहीं बोल रहे और हंस रहे हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ गया। दक्ष प्रजापति ने हाथ में जल लिया और श्राप दिया, इस भोंगी को, इसको दिन भर नशे में रहता है, भूत प्रेत के साथ में घूमता है, इसको मैं श्राप देता हूँ कि किसी भी प्रकार के यज्ञ में इसका भाग ना देवे, इसको भाग नहीं मिलेगा, मैं इसको यज्ञ से निष्कासित करता हूँ और जल छोड़ दिया। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, बैठे बैठे सुन रहे हैं। लेकिन भगवान के जो गण थे।